कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 से बहुत ज़्यादा है, हमारे इस के साथ इंसाफ। उनका बयान मैंने देखा, वो गाइड अब कहीं और से हो रहा है, जहाँ थे वहीं जाने का विचार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ रचा शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। जेडीयू सांसद का पहला विकेट गिरने वाला है और सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ने वाली है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के एक सांसद ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातीय जनगणना का विरोध किया और इसके खिलाफ धरने का भी ऐलान कर दिया। मतलब जेडीयू का एक विकेट गिरने वाला है। अब इसके संकेत तब मिले जब मुख्यमंत्री के खास मंत्री संजय झा ने साफ साफ कह दिया कि वो जहां से आए थे वहीं जाने का मन बना लिए होंगे। इससे स्पष्ट है कि जेडीयू ने मान लिया कि उनके सांसद बीजेपी में जाने वाले हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद सुनील कुमार पिंटू। बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज़्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और 8 तारीख को हम लोग पटना में हमारे समाज के तेली साहू समाज की एक बैठक है जिसमें हर जिले से लोग कहां कहां छूट गई है, गिनती नहीं हुई है, उन जगहों को चिन्हित करके 8 तारीख को हम एक ड्राफ्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा समाज के प्रतिनिधि मिलेंगे और प्रतिनिधि के द्वारा ये मांग की जाएगी कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 से बहुत ज़्यादा है, हमारे इस के साथ इंसाफ समाज के साथ। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जब जातीय जनगणना पर सवाल खड़े किए तो मंत्री संजय झा ने जवाब भी दिया और ये कहा कि वो जहां से आए थे वहीं वापस जाने का मन बना लिया होगा। लगता है कि वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं। अब इस तरह से मंत्री ने ये क्लियर कर दिया और जेडीयू ने खास तौर पर ये क्लियर कर दिया कि उनके जो सांसद हैं वो बीजेपी में जाने को तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार के खास मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। उनका बयान मैंने देखा, वो गाइड अब कहीं और से हो रहा है, जहां थे वहीं जाने का विचार हो। बोले ना, गाइड कहीं और से हो रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया अशोक जी, हिस्टोरिकल काम हुआ है कास्ट सर्वे का, अब देख लीजिए देश भर में इसका अप्रिसिएशन है और 2024 में सरकार अगर हम लोगों की बनेगी तो देश भर में कास्ट सर्वे कराएंगे हम। अब उस पर वो प्रश्न लगा रहे हैं, अगर वो लगा रहे हैं तो जहां से गाइड हो रहे हैं उन्हीं से करवा लें सर्वे। जब मैंने तो कहा जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान ही बीजेपी से जेडीयू में शामिल हुए थे। इसके बाद जेडीयू ने उन्हें सीतामढ़ी से अपना कैंडिडेट बनाया था। बीजेपी के टिकट पर सीतामढ़ी से विधायक भी रहे हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी जेडीयू में आपसी समझौता के तहत सुनील कुमार पिंटू जेडीयू में शामिल हुए, टिकट लिए और जीत भी गए। अब सवाल यह है कि सीतामढ़ी सीट का क्या होगा, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से ही सांसद हैं और इस सीट से उम्मीदवार कौन होगा ये बड़ा सवाल है। सवाल यही कि सिटिंग सांसद क्या दल छोड़ने वाले हैं, क्या वो बीजेपी में जाएंगे? ऐसे में क्या जेडीयू अपनी सीटिंग सीट सीतामढ़ी सहयोगी दल आरजेडी को सौंप देगी या फिर अपना उम्मीदवार देगी? जेडीयू अगर सीतामढ़ी सीट नहीं छोड़ेगी तो फिर उम्मीदवार कौन होगा? ये तमाम सवाल है जो अब उठ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा नाम देवेश चंद्र ठाकुर का भी सामने आ रहा है। जहां तक विधान परिषद सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का सवाल है तो वो सीतामढ़ी से ही आते हैं। जानकार ये भी बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को भी वो इच्छुक है, सिर्फ पार्टी नेतृत्व की हरी झंडी का ही उन्हें इंतजार है। मतलब अगर टिकट मिला तो वहां से वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। हालांकि अब देखना होगा
कि सियासत की अगली तस्वीर क्या होगी, क्योंकि अब से ही जोड़ तोड़ और छोड़ वाली जो राजनीति है वो बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।